हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। No, don't cry. अच्छा अच्छी नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाकी साहब, आपकी तरफ आ रहा था, अभी को फोन कर रहा था मैं। अच्छा, बस वो मैंने भी तमाम लीगलिटीज तैयार हो चुकी थी। अच्छा, तो मैंने कहा चले गार्डियनशिप के लिए आपसे बात कर लीजिए। आइए आइए। दरअसल मैं आपसे जो राय लेना चाह रहा था, दो एक बातें हैं ऐसी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बुबू के प्रिंसिपल साहब आए हुए थे उसके स्कूल के, और उनकी राय है कि बुबू को अब वापस स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा उसका टाइम अगर वेस्ट हुआ तो उसके लिए बेहतर नहीं है। और आप तो जानते हैं कि मैंने इस कंपनी को कितने साल दिए, इसके तमाम मामलों को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और हैंडल भी कर लूँगा। देखिए, एक बात आप क्लियर कर लीजिए अपने जहन में कि मैं ये किसी मुआवजे के लिए नहीं करना चाह रहा, ये तो मैं अपने भाई के लिए, उसके बच्चे हमारे बच्चे हैं उनके लिए कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि अगर बच्ची में कोई एबनॉर्मेलिटी किसी किस्म की अगर निकलती है तो फिर क्या हालात होंगे। मैं तो कोई चीज़ खरीदने या बेचने का मजाज नहीं हूँ। तो देखिए, अभी कुछ अर्से कबल ही हैदर ने अपनी वसीयत लिखवाई थी और वो बच्ची के हवाले से भी काफ़ी परेशान था जी। उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि अगर बच्ची नॉर्मल हुई तो वो अपनी तमाम जायदाद में अपने भाई को शामिल करेगी, लेकिन अगर खुदा ना करे वो इस पोजीशन में नहीं हुई तो फिर वो और बुबू इन दोनों की किफालत स्कूल को दी जाएगी और फिर सारी जायदाद स्कूल के हवाले कर दी जाएगी। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ स्कूल को चला जाएगा? ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्कूल को मिल जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने सारे टेस्ट करवा लिए? जी हाँ, टेस्ट तो हमने करवाए हैं और उसमें तो कोई ख़ास तौर पर ऐसी अबनॉर्मलिटी तो समझ में नहीं आई, लेकिन हतमी रिजल्ट जो है उसका वो तकरीबन आई थिंक 4-5 हफ्ते में आ जाएगा। चलिए, तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है, हम फिलहाल वसीयत को हतमी शक्ल नहीं देते। जब तमाम टेस्ट आ जाएंगे तो फिर उसके बाद कोई फैसला कर लें। तो चाय तो पीजिए। हाँ जी, ये आइए ज़रा चाय बनाए। अगर वो बच्ची बुबू के स्कूल को चला जाएगा हमें कुछ नहीं मिलेगा इसमें। आपके भाई साहब ने बहुत बड़ी अकलमंदी की, कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में, कोई फायदा नहीं पहुंचाया उन्होंने हमें। मैंने उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया। जो अकाउंटेंट्स ने बताया है और जो लॉयर्स ने बताया है उनके हवाले से जो हिसाब किताब है उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जब मैं किस्मत की किताब बदल सकती हूँ ना, तो ये वकीलों की किताब बदलना मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। तो क्या करोगी? आपको बताने का फायदा, जब करना मुझे सब कुछ खुद ही है तो मैं करके दिखाऊंगी। बीबी को कौन देखेगा, उसे छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़ के जाने से क्या मुराद है तुम्हारी? हमने ये यहाँ पे क्या संभाल लेंगे हम बच्ची को? हम तो रात को सोने चले गए थे, पता नहीं बुबू ने बच्ची के साथ क्या किया। जब हम जागे तो बच्ची मर चुकी थी। बुबू ने बिल्कुल बच्ची उस तरह मार दी जिस तरह उसने अपने बाप को मार। क्या कर रही हो? मुन्नी के लिए दूध बना रही हूँ। अच्छा, तुम छुट्टी पर कब जाती हो, मतलब
कितने दिनों बाद? कभी हिसाब नहीं किया, कभी डेढ़ महीने बाद, कभी दो महीनों बाद। आखिरी बार कब गई थी? पिछली बार कई महीनों से नहीं जा सकी हूँ। मुनीरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए नहीं गई। सोचा था जब ठीक हो जाएंगी तो चली जाऊंगी, अचानक ये सब कुछ हो गया। अच्छा ऐसा करो कि 7-8 दिन के लिए छुट्टी पर चली जाओ। अभी से? क्या मतलब अभी से? बेगम साहबा, बीबी को कौन देखेगा, उसे छोड़कर नहीं जा सकती। छोड़ के जाने से क्या मुराद है तुम्हारी? हम नहीं है यहाँ पे क्या? संभाल लेंगे हम बच्ची को। आप मसरूफ रहती है ना, इतने सारे काम कैसे करेंगी? अपने काम से काम रखो, जितना कहा है सिर्फ उतना करो। नाम? अब्दुल्ला। जमीर? वसीम। रहमान। अली। रानी। किरण। शमाइल। अगर आप लोगों को ये खुशफहमी है कि मैं आप सबके नाम इसलिए पूछ रही हूं ताकि आपको आपके नाम से पुकार सकूं, तो ऐसा नहीं। मैं आपके नाम इसलिए जानना चाह रही हूं ताकि मुझे मालूम हो कि मैं किसे फायर कर रही हूं। आप सब यहां से जा सकते हैं, आपकी यहां जरूरत नहीं है। अपना सामान उठाइए और एक घंटे तक यहाँ से चले जाइए। मैम, मैं तो यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। लोग 60-70 साल जिया भी करते हैं और फिर मर भी जाते हैं। लेकिन मैम, वो बुबू, बुबू मुझसे बहुत मानूस है। लोग कुत्तों से भी मानूस हो जाते हैं, लेकिन जब वो चला जाए और नया आ जाए तो उससे भी हो जाते हैं। मैम, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ नौकरी ढूंढूंगा? मैंने यहाँ पे कोई खुली कचहरी नहीं लगाई। आप सब अपना अपना हिसाब कीजिए और जाएं यहाँ से। अली, तुमने बहुत वफादारी का सबूत दिया है और मैं वफादार लोगों की कद्र करती हूँ, इसलिए तुम यहाँ रुक सकते हो। जल्दी से नए मुलाजमीन का इंतजाम करो, तब तक ये सारे इंतजाम तुम्हें संभालें। प्लीज डोंट क्राई, डोंट क्राई, नो नो नो, मत रो मत रो प्लीज। ये देखो टॉयज, डू टॉयज टॉयज। हाँ हाँ, नो अब तो चुप्पी नहीं हो रही हो। अच्छा, नो नो नो, ये नहीं खोल सकते, ये नहीं खोल सकते। पहले पता है मैंने बोला था कि आप आओगी ना तो हम लोग साथ खोलेंगे। यस, अब मामा जी नहीं है, वो लोग चले गए ना अल्लाह मियाँ के पास। नो 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 नो, ये नहीं खोल सकते। लेकिन आपके लिए भी तो लाया हूँ मैं। यस, वो वाला दिखाता हूँ आपको। यस यस यस, आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ बैठ जाओ। ये देखो, ये देखो सिंड्रेला शूज। लेकिन ना
आपको नहीं आएंगे ये ऐसे, आपको नहीं आएंगे। हाँ ट्राई करें आपको, ट्राई करें। यस यस ट्राई करते हो। ओके यस आ जाओ आएंगे। नो बहुत बड़े हैं ये तो, आपको पता है चमचम की बहन इतनी बड़ी है, आप बहुत छोटी हो। ओके लेकिन नो डोंट कह आप बड़ी भी तो होगी ना, तो फिर पहन लेना ये सब। यस फिर पहन। और ये देखो यस ये देखो माय फेवरेट कलर्स। यस देखो वो गिर गया। नो आप यहाँ बैठ जाओ। देखो माय फेवरेट कलर्स पिंक एंड येलो, ये भी आपके लिए लाया हूँ, आपको आ जाएंगे। नो आप बहुत छोटी हो। ओके यस बहुत छोटी हो। नो प्रॉब्लम चप्पल ही जरूर। अच्छा नो मत रो। ओके डोंट क्या ये देखो बार भी। हाँ डोंट क्या है। नो प्लीज डोंट क्या है। नो मत रो ये खोल लेंगे ना बाद में। नो मत रो। रानी पारू के नो डोंट क्या डोंट क्या। अच्छा मैं यहाँ मैं क्या करूँ और कुछ दिखाऊँ। नो और नहीं खोल सकता ये देखो ना प्लीज टॉयज। रानी पालू नैनी लोग सब लोग कहाँ चले गए। मैं नैनी को ला रहा हूँ। ओके नैनी आप लोग कहाँ चले गए। नो डोंट कह मैं आ रहा हूँ। ओके मैं ला रहा हूँ। नैनी आप कहाँ चली गई हैं, वो बहुत रो रही। नैनी आप कहाँ चली गई। बेबी जी कब से रो रही है। नैनी बेबी जी बहुत रो रही है, आप कहाँ चली गई हैं। टापू दरवाजा खोले, बेबी जी बहुत रो रही हैं। टापू दरवाजा खोले। नाज़नीन हेलो नाज़नीन टापू ये दरवाजा तो खोल दो, शोर मचा रहे हैं। खोल मैं जाऊं। ओके मैं जा रहा हूँ। नहीं मानने वो लोग नहीं खोले, मैं बहुत बोला उनको वो नहीं खोले। ओके आप तो नहीं रोना डोंट क्राई प्लीज। रानी नहीं नैनी भी नहीं है ना, वो लोग नहीं खोले अब। आपको एक चीज दिखा। अच्छा डोंट कह प्लीज आपको एक चीज दिखाता हूँ। नहीं कहीं जाना नहीं। ओके कहीं जाना नहीं यस देश देखे। मामा जी ने तो आपको देखा भी नहीं ना। हाँ ये वाली मामा जी हमारी, ये वाली ये देखे, इनसे आप नहीं मिली ना। नो डोंट कह देखो ये आपसे नहीं मिली है। हाँ ये बाबा जी हैं, बाबा जी याद आया। नो नहीं चाहिए। टीवी ओके टीवी ये रखो अपने पास रखो। ओके मैं एक जाना नहीं ये दिस रिमोट। ओके हाँ प्लीज टीवी दिखाओ आपको। नो डोंट कैच। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टीवी देख लो प्लीज। कार्टून कितना अच्छा। ओह माय गॉड देखो टीवी देखो टीवी। हाँ कितना अच्छा वाला कार्टून है, मेरा फेवरेट कार्टून। डोंट कह ओके नहीं रो। ये देख लो ना आपके लिए ये लाया हूँ मैं। ये देखो बाबा जी देखो ये लो नहीं वो नहीं खोलूंगा मैं ओके नो प्लीज नो। अच्छा डोंट कह नो रो आधा काम तो आज रात ही हो जाएगा। अरे वाह क्या प्लान बनाया तुमने। यानी कि आया के बगैर दोनों मर जाएंगे। यही तो मेरी अकल का कमाल है वहीद साहब।
हमारा काम भी हो जाएगा और इल्जाम आएगा बेचारी आया पर और बूबू पर। हम तो रात को सोने चले गए थे, पता नहीं बूबू ने बच्ची के साथ क्या किया। जब हम जागे तो बच्ची मर चुकी थी। बूबू ने बिल्कुल बच्ची उस तरह मार दी जिस तरह उसने अपने बाप को मारा था। प्यारी सी छोटी सी बच्ची। वहीद साहब, मैं ना कहती थी आपको तो अदाकार होना चाहिए। अरे वाह, और तुमको स्टोरी राइटर होना चाहिए। और डायरेक्टर भी। शुक्रिया। मजा आ गया। बताइए, देख क्या रहे थे आप? हैं? मैं तो भूल गया। हाँ, फिल्म। हाँ, चले आइए फिर। फिल्म देखते हैं। शोर तो रात भर होता रहेगा। मुझे तो हंसी आती रहेगी सारी रात। आंटी नहीं, मामा फोन था है। आंटी आंटी आप जाओ ना, मामा फोन था है। मामा बीबी कब से रो रही है, वो चुप नहीं हो रही। नौकर तो सारे तुमने फारिग कर दिए? क्योंकि वो मुनीरा के वफादार थे। ओ, अब वो खबर आ जाए जिसका हमको शिद्दत से इंतजार। आ जाएगी। तुम्हें पता नहीं है कि उसकी दिमागी हालत क्या है? उसने फोन किया और तुम भागी चली आई। मैं सिर्फ बूबू के कॉल करने पे नहीं आई। बीबी बुरी तरह रो रही थी और उसने बताया कि आप दोनों घर पर नहीं है। बीबी के रोने की आवाज हमें तो ना आई, तुम्हें आ गई बीबी के रोने की आवाज। बाबा फोन था है। आंटी नो नो नो, बाबा को बोले फोन था है। बाबा बीबी बहुत रो रही है। आंटी यार, बाबा बीबी बहुत रो रही है, वो चुप नहीं हो रही है, फोन नहीं उठा रहे। बाबा फोन था ले। आंटी बाबा बहुत रो रही है, अब कहाँ गए बाबा? अब बिल्कुल अच्छे नहीं बाबा, बीबी कब से रो रही है। मामा को फोन लाऊंगा, मामा तो बूबू का फोन हमेशा उठाती हैं। यस मामा, गुड गर्ल मामा। आंटी नहीं, आंटी नहीं, मामा फोन था है। आंटी आंटी आप जाओ ना, मामा फोन था है। मामा बीबी कब से रो रही है, वो चुप नहीं हो रही। नहीं आंटी, आपसे बात नहीं कर रहा मैं। मामा को आंटी, आंटी मामा हमको आपकी याद आ रही है, लेकिन बूबू नहीं रो रहा, बीबी रो रही है। फोन नहीं उठा रही। मामा आप लोग कहाँ चले गए? बूबू अकेला बीबी को संभाल रहा है। आप भी चली गई, बाबा भी चले गए। बूबू आपसे नाराज है, ओके? आपसे कभी बात नहीं करूंगा मैं। आया को फोन लाऊंगा। यस आया को फोन लाऊंगा। आंटी नहीं आई। आया बीबी कब से रो रही है, वो चुप ही नहीं हो रही। यस नो, ताबू चले गए, आप भी चली गई, बूबू यहाँ अकेला है, बीबी तंग कर रही। आया तो उसको भूख लग रही है, तो बूबू को क्यों नहीं बता रही? उसको मैं बिस्किट खिलाऊं, चिप्स खिलाऊं? नो हाँ यस यस, किचन वाला हाँ मैं जाऊंगा। आप बताएं वो क्या खाती। ओके ओके ओके, मैं जाऊं किचन। ओके यस यस, मैं जा रहा हूँ, मैं किचन जा रहा हूँ, बस आ गया ना सामने, मैं जा रहा हूँ। यस यस, मैं जा रहा हूँ, मैं बनाऊंगा, सब बनाऊंगा। यस यस, प्लग भी लगा हुआ और वो हो गया गर्म। हाँ यस यस, देखें स्मोक आ रहा है।
हाँ ले लूँ। ओके यस हो गया हो गया। डोंट केयर ये देखो हाँ वो रो रही थी ना, बहुत रो रही है वो। यस यस इसको रखूँ मैं? हाँ नो डोंट केयर यस रख दिया। ओके लेकिन मेरे एक हाथ में फोन है ना, मैं कैसे करूँ? यस कर सकता हूँ अब, सही है? ओके यस 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 ये रहा, खोलूँ उसको। कैसे ये करते हैं जिंदगी से लड़ते हैं। बीबी अल्लाह बीबी यार सारा टाइम रोती रहती हूँ बीबी 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 नहीं रोना। बीबी यार आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हो भाई? यार नींद आ रही है बीबी, अब सो जाओ प्लीज बीबी यार। ये चाय तो बड़ी जबरदस्त बनाई है तुमने। वैसे ये चाय मैंने अब आखिरी बार बनाई है, अब हम इस घर के मालिक हैं, आज से सारा काम नौकर करेंगे। नौकर? कौन से नौकर? नौकर तो सारे तुमने फारिग कर दिए। क्योंकि वो मुनीरा के वफादार थे। ओह, अब वो खबर आ जाए जिसका हमको शिद्दत से इंतजार। आ जाएगी अभी आ जाएगी। अब ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बीबी बुबू नहीं रो रहा, आप भी नहीं रो, सही है? सही बीबी यार मुझे नहीं खा रहा। बीबी बीबी मेरी बात तो सुने बेगम साहिबा, मेरी चुप कर जाओ, और ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ज्यादा उनकी सगी बनने की कोशिश करो तुम। तुम्हें पता नहीं है कि उसकी दिमागी हालत क्या है, उसने फोन किया और तुम भागी चली आई। मैं सिर्फ बुबू के कॉल करने पे नहीं आई, बीबी बुरी तरह रो रही थी और उसने बताया कि आप दोनों घर पर नहीं है। बीबी के रोने की आवाज हमें तो ना आई, तुम्हें आ गई बीबी के रोने की आवाज, और हमने कहाँ जाना है, इस घर में ही थे हम। बेगम साहबा मैं क्या कर सकती थी, मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने किया, और अब जो मुझे बेहतर लग रहा है ना वो ये है कि तुम अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से अभी फौरन। जी फौरन, आपकी बात छुट्टी पर नहीं, हमेशा की छुट्टी पर। क्या कह रही बेगम साहबा? जो नौकर इस घर में मेरा हुक्म नहीं मानते ना, उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। सामान उठाओ और निकलो यहाँ से।
ایسا مت کہیے بیگم صاحب، میں نے اس گھر میں بہت سال گزارے ہیں، یہ گھر مجھے اپنے گھر سے زیادہ اہم ہے، نہ کرے ایسا۔ ہے نہیں، تھا۔ اور اگر اس گھر میں اتنے سال گزارے ہیں نا، تو کوئی احسان نہیں کیا، پیسے لیے، اپنا حساب کرو اور نکلو یہاں سے۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، پھر سے کر بی بی یار، آپ کو آ رہی ہے اسمیل؟ یس، پنک پینتھر کو بھی اسمیل آ رہی ہے۔ ڈول آپ کو آ رہی ہے؟ میری اسمیلی بی بی، سارا ٹائم کر، چلو گیٹ آؤٹ، چلو